सबक नंबर 8 वक्त की पैमाइश हिस्सा दूम। इस हिस्से में हम कैलेंडर का मुशाहिदा करेंगे, देखेंगे कौन से दिन कितनी मरतबा है, कि दिया गया कैलेंडर कौन से महीने का है, कौन से सन का है, इतवार कितने आए हैं महीने में, पीर कितने, मंगल कितने मरतबा है, बुध कितनी मरतबा है, जुमेरा, जुम्मा, शनिचर और इतवार। आप सभी को पता है कि हफ्ते में जो है कुल 7 दिन होते हैं। यहाँ पर हमें मार्च 2022 का जो कैलेंडर दिया गया है, हम यहाँ पर देखेंगे कि हर तारीख अलग अलग रंग से जो लिखी गई है। जैसा कि इतवार का जो दिन है, यहाँ पर 6 तारीख, 13 तारीख, 20 तारीख और 27 तारीख 4 मरतबा यहाँ पर जो इतवार आया, और ये सब लाल कलर के अंदर जो है अदद लिखे हुए, यानी इस दिन जो है छुट्टी है। इसी तरीके से पीर की लाइन का अगर कभी हम मुशाहिदा करेंगे, यहाँ पर मेरे हाथ के उल्टी तरफ जो है दिन लिखे हुए, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरा, जुम्मा और शनिचर। और आप अगर कभी इन दिनों की लाइन में देखेंगे तो उस दिन जो है कौन सी तारीख थी, यहाँ पर हमको दिखाया गया है। अब हम देखेंगे कैलेंडर, यहाँ पर एक मिसाल हल करेंगे। यहाँ पर हमको अगस्त 2014 का जो है कैलेंडर दिया गया है। यहाँ पर फिर इसी तरीके से मेरे दाएं हाथ की तरफ दिन दिए गए, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरा, जुम्मा और शनिचर। ऊपर यहाँ पर अगस्त 2014 का जो है हमको यहाँ पर कैलेंडर दिया गया। इतवार की अगर कभी हम लाइन देखें तो यहाँ पर 3 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख, 24 तारीख और 31 तारीख को जो इतवार आया, यानी इतवार को जो है कितनी मरतबा आए, 5 मरतबा आए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सवाल हमको दिए गए हैं उसे किस तरह जो हम हल कर सकते हैं। अगस्त महीने में जो है कुल कितने दिन है, तो अगस्त महीने का अगर कभी हम कुल दिन देखें तो 1 तारीख से अगर कभी हम गिनना शुरू करें तो अगस्त महीने में हमको कुल 31 दिन जो है यहाँ पर दिए गए। इस साल यौम आज़ादी किस रोज़ है? आप सभी को पता है कि यौम आज़ादी 15 तारीख को जो मनाया जाता है, 15 अगस्त को। तो हम देखेंगे 15 अगस्त जो किस लाइन में आ रहा है, तो 15 अगस्त जो जुमा की लाइन में है, यानी 15 अगस्त जो जुमा के दिन है। इस महीने में कुल कितने पीर है, तो इस महीने में जो पीर अगर कभी हम देखें तो इस महीने में पीर जो है 4 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख और 25 तारीख को है। जुमेरात किन किन तारीखों को है, तो जुमेरात 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख और 28 तारीख को है। इसी तरीके से 15 अगस्त इस महीने में कौन से दिन 5 बार आए, यहाँ पर अगस्त 2014 का तो महीना हमको दिया गया है, मगर यहाँ पर हमको ये कहा गया है कि 15 अगस्त इस महीने के अंदर कौन से दिन जो है 5 मरतबा आए। तो हम देखेंगे इतवार की लाइन, तो इतवार 5 मरतबा आए हैं, इसी तरीके से जुमा 5 मरतबा आए और शनिचर 5 मरतबा आए। एक ही दिन कितने दिन के बाद में वापस आता है, अगर कभी हम इतवार से शनिचर तक गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो एक दिन जो है 7 दिनों के बाद में फिर वापस से जो है वही दिन आता है। अरसा गिनना यानी कौन सा काम हमने कितने वक्त में किए, कौन सा काम कितने दिनों के अंदर किए, कौन सा काम करने के लिए हमको कितना वक्त लगा, कितना अरसा लगा, जो है कैलेंडर की मदद से हम जो है आसानी से देख सकते हैं और तय कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक मिसाल दी हुई कि हुमेरा मई के महीने में मामू के गाँव गई, 9 मई से 25 मई तक वो रोज़ाना तैरने के लिए जाती थी, तब हुमेरा कितने दिन के लिए तैरने जाती थी। ये मालूम करने के लिए वो कितने दिन तैरने के लिए जाती थी, हमें 9 तारीख से 25 तारीख तक जो गिनना शुरू करना है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी 9 तारीख से 25 तारीख तक अगर कभी हम दिन गिने तो ये कुल 17 दिन होते, यानी हुमेरा 17 दिन जो है तैरने के लिए गई। इसी तरीके से यहाँ पर हमें जो एक मशक दी हुई है, इस मशक के अंदर हमें 4 सवाल जो दिए गए कि एक साल सितंबर की 9 तारीख से किताब मेला का आगाज़ हुआ और 18 तारीख को इख्तिताम हुआ, तो किताब मेला कितने दिन मनाया गया। नंबर 2 है, सिद्दीका ईद मनाने के लिए 12 नवंबर से अपने गांव आई और 31 दिसंबर तक वहां रही, तो अपने गांव में कितने दिन रही। स्कूल की तालीमी सैर 15 दिसंबर से 10 दिसंबर तक थी, तो वो सैर कितने दिन के लिए थी। अब्बास ने नवंबर 5 तारीख से जनवरी की 5 तारीख तक दूध लिया, तो अब्बास ने कुल कितने दिन लिया। यहाँ पर 4 सवालों में से हम जो एक सवाल हल यहाँ पर करेंगे। एक साल सितंबर की 9 तारीख से किताब मेले का आगाज़ हुआ और 18 तारीख को इख्तिताम हुआ, तो किताब मेला कितने दिन चला। तो हम यहाँ पर 9 तारीख से 18 तारीख तक जो गिनना शुरू करेंगे, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी किताब मेला जो है कुल 18 दिन तक जो है मनाया गया, या किताब मेला कुल 18 दिन तक चला। इसी तरीके से अब हम देखेंगे लीप ईयर के बारे में कि लीप ईयर
क्या है? लीप ईयर ऐसा महीना जिसमें हमें जो है फरवरी महीना जिसमें हमें 29 दिन का दिया जाता है। हम देखेंगे कि उमूमन फरवरी महीना जो 28 दिनों का जो होता है, मगर हर 4 साल के बाद में फरवरी महीना जो 29 दिन का आता है। और ये फरवरी महीना जिस साल 29 दिन का आता है तो हम ये कहेंगे कि ये साल जो एक लीप साल है। लीप साल में जो है साल के कुल 365 दिन ना होते हुए कुल 366 दिन जो है यहाँ पर होते हैं, यानी लीप साल के अंदर जो 366 दिन, और हमारे लीप साल छोड़कर जो दिन साल होता है उसके अंदर हमें जो है कुल कितने दिन दिए जाते हैं, 365। यानी कि लीप साल के अंदर हमारा एक दिन जो यहाँ पर बढ़ जाता है, और वो एक दिन जो है फरवरी महीने के अंदर हमारा बढ़ता है। यानी फरवरी महीना हमारा 28 दिन का ना होते हुए कितने दिनों का होता है, 29 दिन का होता है। इसकी एक और आसान तारीफ है यहाँ पर कि जो सैकड़ा साल 4 से पूरा पूरा तकसीम होता है, इस साल को हम जो है लेप साल जो है यहाँ पर कहते हैं। अगर कभी हम साल गिने, जैसे यहाँ पर हम अगर कभी 2020 जो है साल यहाँ पर लेंगे तो 2020 जो ये साल यहाँ पर लेप साल, इसी तरीके से 2017 जो साल अगर हम लेंगे तो सॉरी 2016 जो साल हम अगर कभी यहाँ पर लेंगे तो 2016 ये साल जो लेप साल है, 2016, 2020, 2024 जो ये लेप साल कहलाएं, क्योंकि ये 4 से पूरे पूरे तकसीम होते हैं। इस साल एक दिन जो है हमारा बढ़ जाता है, यानी 366 दिन जो है हर 4 साल के बाद में हमको एक दिन ये बढ़ा हुआ मिलता है, और ये बढ़ा हुआ दिन जो हमें फरवरी के महीने में जो है दिखाई देगा। यानी फरवरी का महीना 28 दिन का ना होते हुए जो है 29 दिन का होता है। फरवरी महीने में हर 4 साल बाद 29